चलिए दोस्तों, अपनी डिस्कवर 125 सीसी की अपनी क्लच प्लेट असेंबल करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं किस तरह से क्लच प्लेट को असेंबल करना है। वीडियो में लास्ट तक बने रहे दोस्तों। ये रहा हमारा ऑयल पंप जो अच्छी तरह से वर्क कर रहा है, ये देखिए पूरी तरह से। और हम यहाँ पे सबसे पहले हमें एक बुश देना पड़ेगा, तो देखिए इस तरह का एक बुश देना पड़ेगा। एंड इसके बाद एक स्लीव अपना वॉशर, देखिए इस तरह से बुश टाइप में ये देना पड़ेगा। यानी एक पतला सा वॉशर यहाँ पे रहेगा। देन इसके बाद अपना क्लच हाउजिंग, ये अच्छी तरह से क्लीन होना चाहिए। इसको अपने प्राइमरी गियर से और अपने ऑयल पंप के गियर से तीनों से अलाइन करके इसको फिट करेंगे। देन इसके बाद एक वॉशर हमें और देना पड़ेगा, ये रहा हमारा वॉशर। देन इसके बाद अपना हब और सेंटर, इसमें अपनी क्लच प्लेटों को हम असेंबल करते हैं। और तो दोस्तों चलिए अपनी क्लच प्लेट हम असेंबल कर रहे हैं। ये रही हमारी क्लच प्लेटें और ये रहा हमारा हब, इसमें अपनी क्लच प्लेट असेंबल करेंगे। ये देखिए जो मार्किंग रहती है हमारी, इसको कुछ इस तरह से करेंगे, ऐसी बाहर की साइड में आनी चाहिए। तो दोस्तों ये देखिए अपनी क्लच प्लेटें, देन अपनी प्रेशर प्लेट। प्रेशर प्लेट में एक हमारा जो सिरा रहेगा वो फ्लैट रहता है, एक साइड से कर्व टाइप में रहता है, तो फ्लैट सिरा ऊपर के साइड में रखेंगे इस तरह से। देन अपनी दूसरी क्लच प्लेट इस तरह से मार्किंग नीचे रखते हुए, सेम प्रोसेस। इसमें हमारी 5 क्लच प्लेटें लगेंगी और 4 हमारी प्रेशर प्लेट लगेंगी इस तरह से। इस तरह से आप देखिए हमने कैसे फिट किया है। देन हमारा सेंटर, ये देखिए हमारा इस तरह से क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट का जो हब सेंटर कंप्लीट हमने कैसे किया है, तो इस तरह से कंप्लीट करके इस तरह से होल्ड करके यहाँ पे इस तरह से अपनी 4 क्लच प्लेट अंदर रखेंगे, एक बाहर की तरफ रखेंगे यहाँ पे, देख लीजिए आप लोग, एक बाहर की तरफ हमारी क्लच प्लेट और 4 हमारी अंदर की तरफ हैं। इस तरह सेट करेंगे। दोस्तों इसमें हमारे 2 वाशर आते हैं, इसे दोनों वाशर हम यहाँ पे देंगे इस तरह से। चलो देन एक वाशर देंगे इस तरह से। दोस्तों ये हमारा नट जो है इस साइड टाइट होगा और इस साइड में खुलेगा ऊपर की साइड में। देखिए इस तरह से। देन यहाँ पे हम एक पुलर लेंगे और इसको इस तरह से यहाँ पे टिका के, यानी इस तरीके से अपने इसको टाइट कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों हमने इसे अच्छे तरीके से टाइट कर लिया है। अब टाइट करने के बाद ये हमारा इस तरह से इसको रोटेट करके चेक करेंगे, ये फ्री होना चाहिए। इस तरह से देन इसके बाद अपनी 6 स्प्रिंग लगाएंगे।
इसके बाद अपनी प्लेट, और हमारे छह यहाँ पे 8mm के बोल्ट, सभी बोल्टों को टाइट कर लेते हैं बारी बारी करके। तो इसको टाइट करने के लिए हम इस तरह से इसको बाहर की तरफ खींच के रखेंगे। इस तरह से अपने सभी बोल्टों को टाइट कर लेंगे। देखिए हमने सभी बोल्टों को टाइट कर लिया। देन इसके बाद अपनी एक बैरिंग्स, देखिए हमारी यहाँ पे 628 नंबर की बैरिंग रहती है, यहाँ पे लगाएंगे इस तरह से। देखिए देन इसके बाद इस तरह से अपने यहाँ पे एक एलंकी लगा के अपने जो क्रैंक का बोल्ट रहता है इसको जरूर से चेक करेंगे। इसके बाद अपनी ये कैप टाइप में ये हमारे यहाँ पे इस तरह से पुश होना चाहिए स्प्रिंग, देखिए ये ज़रूर से लगा होना चाहिए। देन इसके बाद अपनी पैकिंग देंगे। तो ये रही हमारी क्लच पैकिंग। दोस्तों बॉन्ड इसलिए अप्लाई करते हैं ताकि हमारी पैकिंग जो है खिसके ना, और जो भी थोड़ा बहुत ऑयल लीकेज रहे वो यहाँ से ऑयल लीकेज ना हो। कुछ इस तरीके से अपनी पैकिंग को दे देंगे। देन अपना क्लच कवर, चलिए अपने क्लच कवर को फिट करते हैं। क्लच को एक बार से इस तरह से उस करके जरूर से चेक कर लीजिए। सभी बोल्टों को टाइट कर लेते हैं। टाइट करके मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ, नई इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अधिक से अधिक जानकारी को शेयर करें दोस्तों, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।